लीग स्टेज में सिर्फ एक ही मैच हुआ है दोनों टीम्स ने एक -एक, एक ही मैच के लिए अपने आप मैचअ देखते हो तो आरसीबी वहां पर अच्छा करी थी थोड़ी बहुत आपको इंजरी अपडेट दे दो यहां पर तो आरसीबी की तरफ से हर्षल पटेल पिछले मैच में इंजर्ड थे उन्होंने आखिरी के ओवर्स डाले नहीं थे गुजरात टाइटंस वाले मैच में अभी तक की अपडेट यही है कि हर्षल पटेल विल बी फिट और हर्षल पटेल अवेलेबल रहने वाले हैं हर्षल पटेल यहां पर प्लेइंग इलेवन में बरकरार रहेंगे इंपॉर्टेंट गेम है आरसीबी के लिए से एलिमिनेटर है। बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाली है आ, देखते हैं हर्षल पटेल विल बी अवेलेबल फॉर दिस मैच इसके बाद पिच रिपोर्ट की बात करते हैं आ, तो कोलकाता में दूसरा ही मैच होने वाला है इसके पहले क्वालिफायर वन का मैच होगा और फिर एलिमिनेटर का मैच अगले दिन दिन तो है 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 तो पिच नहीं एलिमेटर थोड़ी सी अभी कहा जा रहा है कि पिच रहने वाली है मतलब उतनी सपाट पिच नहीं है तो उतने रन बनेंगे नहीं अभी तक की पिच रिपोर्ट यही है कि पिच विल बी स्लो कोलकाता की जो पिच है वो स्लो रहेगी स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है तो वन इंदो हसरंगा शबाज अहमद ग्लेन मैक्सवेल विल बी द की फॉर रॉयल चैलेंजर्स और उधर से रवि बिश्नोई विल बी द की फॉर लखनऊ सुपर जाइंट सो so, देखते हैं स्पिन मैचअप अच्छा बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है स्लो पिच है वही एवरेज सा टोटल जो आपको देखने को मिल सकता है 170, 180 देखने को मिलेगा 180 will be enough on this pitch, but uh, eliminator का match है तो extraordinary करना ही पड़ेगा देखते हैं high scoring match देखने को मिला तो interesting हुआ लेकिन अभी तक तो वही है pitch के हिसाब से 180 कुछ बनने वाले हैं चलो फटाफट से प्लेइंग इलेवन की तरफ बढ़ते हैं तो प्लेइंग इलेवन में ओपनिंग करेंगे कप्तान फाफ डू प्लेसेस और विराट कोहली विराट कोहली पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में आए हैं तो फॉर्म बरकरार रहे आर सी फैंस के लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज है और इंडियन फैंस के लिए भी तो विराट कोहली के साथ फाफ डू ओपन करेंगे नंबर तीन पे रजत पाटीदार खेलते हुए दिख जाएंगे अच्छा प्रदर्शन रजत पाटीदार ने इस आईपीएल में दिखाया नंबर तीन पे पाटीदार नंबर चार पे ग्लेन मैक्सवेल नंबर पांच पे द न्यू फिनिशर ऑफ आर सी बी द न्यू इंडियन फिनिशर दिनेश कार्तिक मतलब कार्तिक नीचे भी आ सकते हैं डिपेंडिंग सिचुएशन क्या है तो नंबर पांच पे दिनेश कार्तिक अभी रख रहा हूं नंबर छह पे महिपाल लोमरोर नंबर सात पे शबाज अहमद नंबर आठ पे फिर वनिंदो हसरंगा नंबर नौ पे हर्षल पटेल नंबर 10 पे जॉश हेजलवुड और नंबर 11 पर अब मोहम्मद सिराज या सिद्धार्थ कॉल पिछले मैच में मोहम्मद सिराज बाहर क्यों थे कुछ खासे अपडेट्स नहीं है इंजरी आई डोंट थिंक सो कि मोहम्मद सिराज को हुई है मतलब मोहम्मद सिराज अच्छा नहीं कर रहे इसीलिए बाहर निकाला गया था तो सिद्धार्थ कॉल उनको सिद्धार्थ कॉल को उनकी जगह अंदर लाया गया था तो सिद्धार्थ कॉल या मोहम्मद आई विल पिक की मोहम्मद सिराज खेले तो ज्यादा अच्छा होगा आई विल पिक आई विल पिक मोहम्मद अड ऑफ सिद्धार्थ कॉल सो so, एक चेंज मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि मोहम्मद प्लेंग इलेवन में आ जाएंगे इसके बाद अब लखनऊ सुपर जाइंस की प्लेंग इलेवन की तरफ बढ़ते हैं तो लखनऊ की तरफ से यहां पर ओपनिंग करेंगे कप्तान के राहुल और विकेट कीपर क्विंटेंडीकॉक इनके ओपनिंग पार्टनरशिप भी पिछले मैच में अच्छी रही थी क्विंटेंडीकॉक ने कुछ 140 मारे थे तो ये दोनों ओपनर्स भी फॉर्म में चल रहे हैं नंबर तीन पे दीपक हुडा खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे नंबर चार करुणल पंड्या नंबर पांच पे आयुष बदोनी इनकी वापसी होने वाली है एवन लुइस मनन वोरा हो सकता है बाहर चले जाए आयुष बदोनी या मनन वोरा दोनों में से कोई एक खेलेगा एवन लुइस के चांसेस अभी तो मुश्किल लग रहे हैं कि इस मैच में हो वापसी वापसी यहाँ पर कुंडल पंड्या के आराम से होने वाली है इसके बाद नंबर छह पे मार्कस टॉयनिस नंबर सात पे जेसन होल्डर अब देखा जाएगा कि क्या होल्डर या मार्कस टॉयनिस को ऊपर भेजा जाता है प्रमोट करा जाता है अब दी ऑर्डर इसके बाद नंबर आठ पे मोशीन खान है नंबर नौ पे रवि बिश्नोई नंबर दस पे दुष्मंता चमीरा और नंबर ग्यारह पर आवेश खान तो ऐसी कुछ यहाँ पर प्लेइंग इलेवन इलेवन यहाँ पर दोनों ही टीम्स की होने वाली है अब बढ़ते हैं मेन मैच प्रिडिक्शन की तरफ टफ रहने वाली है एलिमिनेटर का मैच है दोनों टीम्स अच्छा कर करके यहां तक पहुंची है आई एम गोइंग विथ रॉयल चैलेंजर्स बेगलोर आई थिंक के एलिमिनेटर के इस मैच में आर सी बी की टीम मतलब बढ़ चढ़ के बोलेगी और आर सी बी की टीम यहाँ पर जीतने, जीतने वाली है आई थिंक आर सी बी की तरफ से बनिंदू हसरंगा अच्छी बोलिंग करने वाले हैं uh, हसरंगा को विकेट मिलेंगे आई प्रिडिक्ट ग्लैंड मैक्सवेल अच्छी पारी खेलेंगे मैक्सवेल के बल्ले से भी रन निकलने वाले हैं इस मैच में uh, मेरा प्रिडिक्शन यही है और उधर लखनऊ सुपर जाइंस की बात करें तो दुष्मता चमीरा एक बार वापस से अच्छी बोलिंग कर सकते हैं पिछले मैच में अगर याद हो विराट कोहली को डकपे आउट कर रहा था तो दुष्मता चमीरा एक

की बैटल रहने वाला है वनिंदो वा हसरंगा वर्सेस क्विंटन डीकॉक सुबह से आज की वीडियो थी अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई होगी इन डिटेल वीडियो है एलिमिनेटर मैच है इट्स टाइम फॉर द आईपीएल प्ले ऑफ लखनऊ सुपरचैंस वर्स रॉयल चैलेंजर्स बेगलोर कौन जीते गए मैच नीचे फटाफट से कॉमेंट करके बता देना आपके जो भी ओपिनियंस है मेरा नाम है अर्चित अच्छा जैन क्रिकेट ओपिनियन पे इतना ही था आ, मैं मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बाय टेक केयर